हर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। जय श्रीमन्नारायण। संवाद की श्रृंखला में आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ प्रेम सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सजनों, 1 सितंबर को है अनंत चतुर्दशी। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। क्या ये तथ्य है या केवल एक राय है? सजनों, कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट को भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्माज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। व्रत विधान, व्रत कर्ता प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करें। शास्त्रों में यदि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, परंतु ऐसा संभव ना हो सके इस स्थिति में घर में पूजा घर की स्वच्छ भूमि पर कलश की स्थापना करें। कलश पर शेष नाग के शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को रखें। उसके समक्ष 14 ग्रंथियों गांठों से युक्त अनंत सूत्र डोरा रखें। इसके बाद में ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र के 16 उपचार विधि से पूजन करें। पूजनोपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांध लें। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को नैवेद्य भोग में निवेदित पकवान देकर स्वयं सा परिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़ें या सुने। कथा का सार संक्षेप में मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुसार अत्यंत सुशील थी। सुमंत मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधा। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उनके घर पर धन धान्य से सब कुछ पूर्ण हो गया है। तो अनंत चतुर्दशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान अनंत की अनंत कृपाएं बनी रहें। इसी के साथ में आज के संवाद को यहीं पर विश्राम करते हुए जय श्री राधे, जय श्री मन्नारायण।